आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुरादाबाद के गांव गोधी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 14 किलोमीटर तो ब्लॉक से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती फातिमा बेगम है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। 4 वर्ष में कितना विकास इन्होंने यहां कराया है और क्या क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुरादाबाद के गोधी गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान पुत्र से लेकर आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पर प्रधान आपकी माता जी हैं, 4 साल इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवा दिए आप तक? हमारी माता द्वारा जो है गांव में सड़कों का कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है, करीब 90%। और हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है, 4 विद्यालय हैं, तो उनमें जो है हमने कलर वगैरह जो होता है पट्टी से मैं बढ़िया तरीके से और टाइल्स वगैरह करा दिया, बाउंड्री वॉल करा दी और वहाँ पानी की व्यवस्था सही कराई, हैंड वॉश की व्यवस्था कराई है और बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था कराई है। यहाँ आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले, काफ़ी हद तक 42 आवास मिले हमारे, इंदिरा गांधी जो है आवास योजना के तहत भी मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आवास मिले। कितने शौचालय से गाँव ODF हो गया आपका? यहाँ 234 शौचालय बनवा। यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ मिलता है सभी? हाँ, इनका लाभ मिलता है, काफी मात्रा में लोगों को इनका लाभ मिला है और सब लाभान्वित हुए काफी लोग। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा है वो कितने परसेंट लोगों को मिला? यहाँ करीब 40% लोगों को मिल ही चुका है, कुछ के अभी कभी आ जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कोई खातों में प्रॉब्लम होती है। पेंशन मिल रही है? पेंशन पहली भी आ रही है और करीब 60-70 पेंशन मुरादाबाद पेंशन जो अभी ऑनलाइन हो गए हैं, उसका भी पैसा जिले पर आया नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा, वो भी हमने काम कराया है। यहाँ 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सफाई की व्यवस्था? सफाई की व्यवस्था सही है, एक लेडीज है, एक सफाई की जरूरत है, मगर राजस्व गाँव में एक ही तैनात रहता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा सफाई नियमित आते हैं वो सफाई करने? हाँ, नियमित आते हैं। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है गाँव में? बारात घर, पंचायत घर जो काफी दर्जन यानी खराब हो चुका है, उसकी एक अवस्थ। अस्पताल है? अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर बैठते हैं, वो NM होती है, वही बैठती है, रेगुलर बैठते हैं। दवाई वगैरह सब मिलती हैं यहाँ? दवाइयाँ मलेरिया वगैरह की मिलती हैं और जो आयरन की गोली होती है जो बात की होती है जी। यहाँ पर जो है खेल का मैदान है? खेल का मैदान नहीं है, शमशान घाट कब्रिस्तान, शमशान घाट यानी है मगर बना हुआ नहीं है, उसे हमने कह दिया कि बाउंड्री वॉल नहीं है, प्रमुख साहब ने हमें जो है आश्वासन दिया कि सभी कार्यकाल में इसी में करा दें। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आता है? मेरी मांग ये है कि मैं एक गांव में जो है मुख्य द्वार बनवाना चाहता हूँ, उसकी मुझे परमिशन दी जाए। ग्राम पंचायत का काफी अपना पैसा है, कोई बात नहीं है, गाँव अपने लेवल से ही विकास करने में जो है सक्षम। क्या यहाँ सड़कें अभी कच्ची बाकी है? एक दो सड़क कच्ची है, वो उसमें 2 महीने में पूरी हो जाएगी। कितने गरीब लोग यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? करीब 30-40 लोग ऐसे हैं कि जो गरीब हैं उन्हें आवास की जरूरत है। और कोई समस्या यहाँ? समस्या है कि राशन कार्ड जैसे कुछ अमीरों के बन चुके हैं, गरीब आदमी रह गए कार्ड बनने से। हाँ, प्रधान से जब से ये हटा है वो अपने जो है कोई भी ऑनलाइन करा देता, मालदार आदमी वहाँ जाकर 100-200 रुपये दे देता और कार्ड बन देता, गरीबों के कार्ड गरीब करेगा, तो उसके लिए आपकी क्या कोशिश रहती है? उसकी तो हमारी ये कोई दबाव रहता है, भैया आप क्यों बना रहे हो ये, बोले आप काटो, अब मैं काटूँ तो मेरी सीधी सीधी नाराजगी, गाँव में कोई किसी से लेने नहीं चाहता, कोई बना आप रहे हो तो आप काटो, प्रधान क्यों काटे? राशन कार्ड बनने में यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, परेशानी है, काफी गरीब लोग रह चुके हैं। जैसा कि आपने देखा प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है, जैसे कि बारात घर को लेकर प्रधान यहाँ मांग करते हैं और यहाँ पर पंचायत घर जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है उसके नवनिर्माण के लिए भी ये मांग करते हैं प्रधान की। यहाँ प्रधान पुत्र की एक जो प्रमुख मांग उन्होंने सरकार से रखी है, वे चाहते हैं कि यहाँ पर गांव के लिए मुख्य द्वार बनवाने की उन्हें इजाज़त परमिशन दी जाए, उनका प्रस्ताव यहाँ मंजूर किया जाए, ग्राम पंचायत का पैसा भी इनके पास काफ़ी मौजूद है जिससे वो अपने गांव के मुख्य द्वार पर लगाना चाहते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।